हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड दिस इज दिवसी अवस्थी जैसे आपको पता होगा टेन एम पे हम बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज लेके आते हैं जहां पर हम सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू डिस्कस करते हैं तो आज जो हमारा सब्जेक्ट होने वाला है जिसके मैं एमसीक्यू डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज गोइंग टू बी इंडियन पॉलिटी सो पॉलिटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है हर एग्जाम्स uh, में याद रखिए चाहे वो यूपीएससी हो चाहे वो स्टेट सर्विसेज हो या रखिए पॉलिटी क्वेश्चन हमेशा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ओके okay? तो आज हम एमसीक्यू डिस्कस करने वाले इंडियन पॉलिटी के अफकोर्स के साथ मैं कुछ करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा ये लेक्चर मैं फिफ्टी है इसका फिफ्टी फोर लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है फ्री लेक्स आप उनको देख सकते हैं आपके लिए एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होंगे क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटी मैंने जोग्रफी एमसीक्यू डिस्कस कराए है हुए हैं ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी बता दूं आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें एप्लीकेशन का नाम है देवशीष क्लासेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है अगर आप ऐप को डाउनलोड करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट आपको हेल्प होने वाली है याद रखिए इसमें बहुत सारे कोर्सेज यूपीएससी के रिगार्डिंग या असिस्टेंट कमांड हो हो गया, CDS हो गया, remember, या आप स्टेट की कर रहे हैं, तो तो उसके लिए बहुत सारे तो एक बार को जरूर डाउनलोड कर लें, आपको वीडियो लेक्चर सीरीज प्लस आपको पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इंडियन पॉलिटी के आज कौन से क्वेश्चन होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन पॉलिटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन को पढ़ते हैं बड़ा इजी क्वेश्चन है बट थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन राज है राज्यसभा इक्वल पावर विथ लोकसभा ओके राज्यसभा का पावर इक्वल है विथ लोकसभा किस केस में पहला पूछा गया ऑल इंडिया सर्विसेज के मैटर में मतलब उसको क्रिएट करने के मैटर में कॉन्स्टिट्यूशन को एमेंड करने के मैटर में रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट या मेकिंग कट मोशन तो किस में राज्यसभा के पावर लोकसभा से इक्वल होते हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थोड़ा आराम से देखिए ऑप्शन में क्या है कंफ्यूज नहीं होना जल्दबाजी में याद रखिएगा द करेक्ट आंसर इज दैट इज एमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन याद रखिएगा बी इज द करेक्ट आंसर इस केस में लोकसभा और राज्यसभा को इक्वल पावर है याद रखिएगा बाकी केस में ऐसा नहीं है याद रखिए मैंने पढ़ाया हुआ है किस केस में राज्यसभा को ज्यादा पावर है या किस केस में लोकसभा को ज्यादा पावर है ये मैं ऑलरेडी अपने पॉलिटी के लेक्चर्स के पार्लियामेंट में पढ़ा चुका हूँ ओके यहाँ पर करेक्ट आंसर है एमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन याद रखिएगा ठीक है मैं आपको ये बता रहा हूँ आर्टिकल 368. आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है ये अमेंडिंग द कॉन्टीट्यूशन रिमेंबर हमने किस कंट्री से लिया है रिमेंबर किस कंट्री से हमने अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन लिया हुआ है याद रखिएगा तो याद है कि आर्टिकल नंबर थ्री सिक्सटी एट और कंट्री आप मुझे कमेंट बॉक्स में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अलग अलग जगह से सोर्स है याद रखेगा तो मैंने पूछा है का सोर्स कहां पर है रिमेंबर तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करिए चलिए मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ आपको यूएसए आयरलैंड या साउथ अफ्रीका तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में में से करेक्ट आंसर बताइए ओके चलिए आगे मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्वेश्चन सेकंड को रीड कर लेते हैं इन 1987 एटी सेवन याद थ्री स्टेट्स क्रिएट हुए थे एक का नाम था मिजोरम अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा <coughs> <coughs> मैंने आपसे पूछा है ये तीन स्टेट्स क्रिएट हुए थे ओके तो कौन से नंबर के स्टेट थे ऑप्शन ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फिफ्थ ट्वेंटी सिक्स थे सेवेंटीन एटी नाइनटीन था ट्वेंटी थर्ड ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फिफ्थ था ट्वेंटी 26, ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी स्टेट थे तो नंबर काउंटिंग मैंने आपसे पूछ ली कि उस टाइम पे कितने स्टेट्स हुए थे ये जो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश और गोवा बने थे ओके इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बट स्टिल आप इसको गेस कर सकते हैं करेक्ट क्या क्योंकि गोवा हुआ था ट्वेंटी फिफ्थ स्टेट तो देख सकते हैं है, इस इसमें अरेंज करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सेट हो रहा है ट्वेंटी थर्ड इज मिजोरम अरुणाचल प्रदेश ट्वेंटी फोर्थ एंड ट्वेंटी फिफ्थ इज गोवा रिमेंबर तो ये करेक्ट आंसर है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहां पर जब स्टेट्स के नंबर आ जाते हैं तो शायद हम कंफ्यूज हो जाते हैं ओके एट प्रेजेंट कितने स्टेट्स हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर प्रेजेंटली इन इंडिया एंड हाउ मेनी यूनियन टेरेटरीज आधे आप मुझे कमेंट बॉक्स में करिए ओके यहां करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी है ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड बड़ा ही टिपिकल सा क्वेश्चन है यहाँ पर एक सजेशन uh, लिखा हुआ है गवर्नर के रिगार्डिंग बोला गया है सजेशन किसने दिया था ओके okay. सजेशन है कि गवर्नर जो होना चाहिए वो एक एमिनेंट पर्सन होना चाहिए जो स्टेट से बिलोंग नहीं होना चाहिए मतलब उस स्टेट का वो नहीं होना चाहिए ओके एंड शुड बी फिगर विदाउट इंटेंस पॉलिटिकल लिंक और उसके कोई पॉलिटिकल लिंक्स भी नहीं होना चाहिए ओके okay? और शुड नॉट हैव टेकन पार्ट इन पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स और politics में भी उसने पार्टिसिपेट नहीं किया हो रिमेंबर ऐसा हमें गवर्नर अपॉइंट करना चाहिए ओके okay? पहली बात तो सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आप जिस भी स्टेट से देख रहे हैं अपने स्टेट का नाम कमेंट बॉक्स में करिए प्लस उस स्टेट का गवर्नर कौन है एट प्रेजेंट वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में करिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आप जिस भी स्टेट से देख रहे हैं आपको एटलीस्ट अपने गवर्नर नाम पता होना चाहिए ओके अब इसमें से आपको चार ऑप्शंस दिए गए आपको बताना है किस ने रिकमेंडेशन दिया था पहला ऑप्शन द फर्स्ट एआरसी ने राजमनार कमेटी ने सरकारिया कमीशन ने या नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने किसने रिकमेंडेशन दिया बहुत फेमस कमेटी है यार ये करेक्ट आंसर है दैट इज सरकारिया कमीशन सरकारी कमीशन 1983 में स्टैब्लिश हुई थी बहुत इंपॉर्टेंट कमिटी है याद रही है इसकी रिकमेंडेशन आप हमेशा पढ़ते हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशन के लिए ओके तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सरकारिया कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी रिमेंबर ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फोर्थ में आते हैं यह भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है किस एक्ट के द्वारा बाय विच एक्ट याद रखिएगा हमारे यहां टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपीटेंट लीगल एड टू द पुअर

था आपको याद होगा करेक्ट आंसर लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 जिसके थ्रू नालसा एस्टैब्लिश हुई थी ओके okay, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है अब मैंने बताया ये डीपीएसपी की वजह से ये एक्ट पास हुआ ओके okay? तो किस आर्टिकल में ये पॉइंट बोला गया है कि लीगल एड टू द पुअर जो है वो हमको फ्री प्रोवाइड करना चाहिए ये किस में बोला गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उस आर्टिकल नंबर का भी नाम मेंशन करिए विच आर्टिकल ओके यहाँ पे करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए है ओके मैं आपको बता दूं अगर आप हमारे कंप्लीट कोर्स के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो एक बार एप्लीकेशन को डाउनलोड करें वहां पर आपको हमारे यूपीएससी का प्रीप्लसमेंट ट्वेंटी ट्वेंटी टू और ट्वेंटी दोनों के कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे अगर आप हमको व्हाट्सएप करते हैं याद रखिए नंबर यहाँ मैंशन है तो आपको इसमें कुछ डिस्काउंट भी मिल सकते हैं तो जल्दी से कोर्स को एक बार जरूर एप्लीकेशन जाकर विजिट करें ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन

करप्ट प्रैक्टिस केस में किसमें मेंशन है ऑप्शन क्यू था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आरपीए एक्ट 1951 दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 या नन ऑफ दिसके बड़ा इंपॉर्टेंट है ये आपको मेन्स मैंने पढ़ाया भी हुआ है याद रखिएगा जिसने मेरे पॉलिटी के मेंस के लेक्चर देखे होंगे तो बहुत आसान सा है याद रखिए वहीं से क्वेश्चन फ्रेम कर लिया गया है करेक्ट आंसर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 याद रखिएगा और ये एक्ट भी मैं आपको बता दूं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर है 327 याद रखिएगा उसके अकॉर्डिंग ही इस को पास किया गया रिमेंबर इलेक्शन से पहले जब देश में पहला इलेक्शन होने वाला था उससे पहले ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट नाइन पास थे, तो इस आर्टिकल के अंदर ही तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरपीए भी इंपॉर्टेंट एक्ट है, तो है एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी का, का मैंने नाम लिख दिया है नाम लिया हुआ है फंडामेंटल राइट right को क्या डिस्क्राइब किया था

वॉट इज कंसाइंस देखिए मैंने एथिक्स की मीन्स लेक्चर में कंसाइस एज अ सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस पढ़ाया हुआ है मैंने पूरा वहाँ पर कंसाइंस का मतलब बताया हुआ है यार ये करेक्ट आंसर है कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डी पी एस पी एंड फंडामेंटल राइट्स आता है कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिमेंबर तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं एक आर्टिकल मैंने पूछा है बड़ा इजी आर्टिकल है बट ऑप्शन देखिए जो रिवाइज नहीं किया वो शायद कंफ्यूज हो सकता है मैंने पूछा इंटर स्टेट रिवर का जो डिस्प्यूट होता है रिमेंबर ठीक है तो उसके लिए एक आर्टिकल मेंशन है उसके लिए एक प्रोविजन मेंशन है उस डिस्प्यूट को किस तरह एजुडिकेट किया जा सकता है कौन से आर्टिकल में चीज है टू सिक्सटी टू सिक्सटी वन सिक्सटी थ्री या सिक्सटी टू मैंने फिर से बोला क्वेश्चन ईजी है बट याद रखी बट आर्टिकल जब सामने आते हैं तो शायद हम कभी कभी कन्फ्यूज जाते हैं हम आर्टिकल्स याद नहीं रख पाते तो ये आर्टिकल्स को भी याद रखना जरूरी है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो इट्स गोइंग टू बी बोनस जिससे पढ़ाई की हुई है जिससे नहीं की हुई है वो कन्फ्यूज हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है दैट इज आर्टिकल नंबर टू सिक्सटी टू टॉक्स अबाउट इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट के एजुडिकेशन की बात करता है आर्टिकल टू सिक्सटी टू जो मैंने ऑलरेडी पॉलिटिकल एक्चर्स में पढ़ाया हुआ है ओके okay, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है एट में आते हैं अगेन एक फेमस रिमार्क मैंने दिया है कि प्रियम्बल इज द हॉरोस्कोप ऑफ आर सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ओके तो किसने बोला था कि प्रियम्बल इज द हॉरोस्कोप ऑफ आर सॉवरेंट डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक किसने स्टेटमेंट दिया था इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू ग्रेवल ऑस्टिन या के एम मुंशी मैंने आपको बताया था ना या तो मैं स्टेटमेंट दे दूंगा पूछूंगा किस पर्सनालिटी ने बोला है या पर्सनालिटी का नाम दे दूंगा बोलूंगा क्या स्टेटमेंट दिया ऐसे क्वेश्चन बहुत फ्रेम किए जाते हैं अब आप कुछ लोग सोच रहे होंगे सर इसको ऑफकोर्स ग्रामेल ऑस्टिन का नाम लगा सकते हैं मे बी बट ऐसा नहीं है इसका करेक्ट आंसर है के एम मुंशी वॉज अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है रिमेंबर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था तो अगर नहीं याद है तो अपने नॉलेज में जरूर ऐड कर लें के एम मुंशी मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेंशन भी कर रखा है पी डी एफ आपको अगर आपने हमारे टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन किया होगा तो आपको पी डी एफ ईजली अवेलेबल हो जाएगी करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी अब कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन ले, ले लेते हैं ओके okay, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माउंट मणिपुर ओके मैंने पूछा ये न्यूज़ में रहता है माउंट मणिपुर लोकेटेड क्यों है ये बताऊंगा न्यूज़ में क्यों है और क्यों मैंने पूछा हुआ है फिर तो आप आंसर बताइए मणिपुर में लोकेटेड है मिजोरम आंडमान निकोबार या लक्षदीप करेक्ट आंसर आपको बताना है अब कुछ लोग सोच रहे होंगे मणिपुर है तो मणिपुर आंसर हो सकता है बट कुछ लोग सोचेंगे सर मणिपुर होगा तो आप ऑप्शन क्वेश्चन ही क्यों पूछते इतना इजी हो तो बिल्कुल सही कह रहे हैं मणिपुर तो आंसर नहीं है रिमेंबर अब आप कंफ्यूज होते हैं माउंट मणिपुर नाम क्यों किसी और जगह रखा गया है तो बता दो सर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी दैट इज आंडमान एंड निकोबार आइलैंड एक्चुअली हुआ क्या था मैं आपको तो एंग्लो दैट इज मणिपुर वॉर एटीन हुआ था इस वॉर में याद रखिए ब्रिटिशर्स ने बहुत से लोगों को आंडमान निकोबार में याद रखिएगा जो वहाँ का जेल है सेल्लोअ जेल है वहां पर बंदी बना के रखा था तो अभी सरकार ने क्या किया है जो यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया वहां का एक इंपॉर्टेंट माउंट हेरियट एक इंपॉर्टेंट important... टूरिस्ट स्पॉट था रिमेंबर उसका नाम चेंज कर दिया उसका नाम क्या रख दिया गया दैट इज माउंट मणिपुर तो याद रखिएगा माउंट मणिपुर ऐसे नाम पड़ा है कि माउंट हेरियट था उसका नाम चेंज किया गया रिमेंबर मैंने आपको बता दिया एंग्लो मणिपुर वॉर हुआ था उसकी वजह से ही इसका नाम चेंज किया गया तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है दैट इज आंडमान एंड निकोबार आइलैंड ओके ज्यादा रहें टेंथ क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन आपको लग रहा होगा बिल्कुल क्वेश्चन uh, ये पूछा है मैंने इनमें से जो चार इंपॉर्टेंट प्लेसेस लिखी हुई चीज़ लिखी हुई है मैंने आपसे और पूछा इनमें से कौन सी यूनेस्को लिस्ट ऑफ इनटेंजिबल कल्चर हेरिटेज साइट है रिमेंबर

इंटेजिबल हेरिटेज साइट हो गई हैं पहले थर्टीन थी अब फोटीन हो गई हैं तो अगर हो सके तो देखिए कमेंट बॉक्स में आप मेंशन नहीं भी करेंगे तो इट्स ओके बट रिमेंबर ऑल फोर्टीन आपको रिमेंबर रखना है कौन कौन सी कल्चर इंटेजिबल हेरिटेज साइट्स हैं रिमेंबर ठीक है थर्टीन मैंने यहाँ पर मैंशन कर भी रखी है फोर्टीनथ जो है वो हो गई है दुर्गा पूजा इन कोलकाता की रिमेंबर तो यूनेस्को ने बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़ में भी है ठीक है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाता है ओके और क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा इससे इस साल देखिएगा पक्का आएगा क्वेश्चन ओके तो यहाँ पर हमारे जो टेन क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए आई होप आपको बने होंगे क्वेश्चन थे आप चाह रहे होंगे सर पॉलिटी बार पूरा जीरो से एंड तक हम कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो लेक्चर कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए ओनली पॉलिटी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं याद रखिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक है वहां पर जाइए इंडियन पॉलिटिकल लेक्चर्स देखिए पीडीएफ भी मैं आपको इन सारे लेक्चर्स की पॉलिटी के लेक्चर्स जहां पर पूरा एक्सप्लेन किया गया है। वो आपको अवेलेबल हम करा देंगे रिमेंबर ओके okay? और अगर आपको हमारे क्वेश्चन पसंद आए हों आपको क्वेश्चन बने हों कुछ आपको सीखने को मिला हो रिमेंबर तो वीडियो को जरूर लाइक करके जाए फर्स्ट टाइम चैनल में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें रिमेंबर कमेंट बॉक्स में जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे उनको कमेंट करके जरूर बताएं आपके कमेंट जरूर रीड करेंगे और डेली प्रैक्टिस करते हैं रिमेंबर अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके कमिंग एग्जाम्स में चाहे आप स्टेट पीसीएस का दे रहे हो चाहे आप यू का एग्जाम दे रहे हो आपके लिए बहुत एडवांटेज होगा ओके कोई डाउट क्वेरी है वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं थैंक यू